हेलो। हेलो। हाँ जी, आप बताइए। ये क्लिनिक का नंबर है, इसको भी सेव कर लें आप। कई बार क्या होगा, जैसे मेरे नंबर पे फोन करते हैं, मैंने नहीं उठाया तो इस नंबर पे फोन कर लेंगे, तो इस पे कोई ना कोई 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। ठीक ठीक है। है। अच्छा, आप मुझे एक बार कंडीशन बताएं। जैसे ये पहले, जब हमारा इलाज 1 महीने पहले शुरू हुआ था, तब इनको जो है कमर में हाँ, दर्द था ना, और एक लेग में भी पेन था क्या? नहीं, लेग में पेन नहीं था, बैक पेन था और नेक पेन था। स्पेशली उनका वो अच्छा, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था। समझ गया मैं। अभी इनको क्या कहते हैं, हमारे ट्रीटमेंट के बाद कितना आराम हुआ है, कितना परसेंटेज आराम है? उनको उनको मतलब ऐसा 80% तक उनका आराम है। पहले तो ऐसे झुक भी नहीं सकते थे ना, तो अभी अच्छा। नीचे बैठ भी सकते हैं, झुक भी सकते हैं, मतलब बहुत आराम है उनको। और अभी क्या हुआ है, नया से वो राइट पैर में थोड़ा पेन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमने डिस्कस कर ही आई है, इसीलिए मैं मेडिकेशन प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने बोला एक बार कंडीशन को रीइवैल्यूएट कर ले, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही दवाई जो है मैं प्रिपेयर करके इनको भिजवाऊं। ठीक है, उसके लिए तो क्या हाँ करना है, उस एरिया में हमने मशीन लगानी है, और लोअर बैक में हाँ जैसे आप लगा रहे हैं वैसे ही लगाते रहेंगे, उस एरिया में और जो है आपने मशीन लगाना शुरू कर देना है, जिससे कि जो बचा कुचा प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाए, आगे ये बीमारी बढ़े नहीं। अभी नेक का क्या सिचुएशन है? नेक नेक में पेन भी कम हुआ है पहले से? हाँ अच्छा, लोअर बैक का पेन था वो तो कम हुआ ही है 80%, नेक पेन भी कम हो हाँ गया है क्या? जी। ठीक है ठीक है नेक में ठीक है। पहले भी इतना ज्यादा नहीं था, बेसिकली बैक में ही पेन था, तो वो तो कम हो गया है। नेक का पेन भी अभी नहीं है। हाँ, वो होगा भी नहीं, क्योंकि दैट इज मोर टू डू विद योर अलाइनमेंट। होता क्या है, जब लोअर हाँ बैक में अलाइनमेंट अनसेटल्ड हो जाती है इस बीमारी में, तो सर्वाइकल में भी इश्यूज आ जाते हैं। जब हम लोअर बैक को सेटल कर देते हैं, तो सर्वाइकल का पेन ऑटोमेटिकली कम होता चला जाता है। इसी वजह से हमने बिना यूजेज ऑफ एप्लीकेशन ऑन सर्वाइकल, हमने इसको दर्द को कम होते हुए देख लिया होगा आपने, मतलब मैं जनरल ये बता रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, जो अब नेक्स्ट मंथ की, अब तो सेकेंड मंथ है, तो इसमें मेडिसिन देंगे, उसमें जो भी अभी खामियां रह गई हैं उसको पूरा करके विद इन अ मंथ और सो इनको नॉर्मल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है जी, बस यही बात कर रहा था, ताकि मैं फिर प्रिपरेशन करता हूँ मेडिसिन की और भिजवाता हूँ आज। ठीक है, सर, वो मेडिसिन आप किसके थ्रू भिजवाएंगे? स्पीड पोस्ट ही करेंगे, कोरियर विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, स्पीड पोस्ट जल्दी आ जाता है सर, त्रिपुरा हमारे में। यहाँ पे मतलब पोस्टल सर्विस में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा भी कुछ सामान मैंने ऑर्डर किया था, अभी 2 महीना तक हो गया है, अभी तक नहीं पहुँचा यार, है। अगर आप मुझे बोलोगे तो वो कार्तिक देवनाथ जी वाले एड्रेस पे भेज दूं, वहां तो कभी प्रॉब्लम नहीं होता स्पीड पोस्ट का। रुकिए सर, मैं अभी थोड़ा बात कर लेती हूँ। बाबा, ये কার্তিক দেবনাথ স্যারের যে অ্যাড্রেসটা, ওইখানে পাঠাই দিতে নেই, কারণ ওইখানে স্পিড পোস্টের কোনো প্রবলেম হয়েছে না এখনো। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, মতলব উনকো ভেজ দিজিয়েগা। वो आपसे कितनी दूर रहते हैं? वो ज्यादा दूर नहीं है, ऐसा ही 30 मिनट तक जा हाँ, तो सकते बस हैं ठीक है, उधर। मैं उन्हीं के एड्रेस पे भेज देता हूँ, क्योंकि वहां कभी प्रॉब्लम नहीं आया है मेरे को कभी भी लाइफ में, तो जी वो आराम से मिल जी जाएगा आपको 3-4 दिन में ही। ठीक जी है, मैं भिजवाता हूँ। ओके। ठीक है।